हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑन करंट अफेयर्स। और आज की इस क्लास में हम जानेंगे गोलन हाइट्स के बारे में। ये है वेयर व्हाट व्हाई सीरीज और हम जानेंगे कि गोलन हाइट्स कहाँ पे हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, गोलन हाइट्स जो है एक फर्टाइल प्लेट्यू है अप्रॉक्सीमेटली 1300 स्क्वायर किलोमीटर का। ये सी ऑफ गैलीली के नॉर्थ ईस्ट साइड पर पड़ता है। इसका एरिया है अप्रॉक्सीमेटली 71 × 43 स्क्वायर किलोमीटर्स और ये सीरिया और इसराइल के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन है। सीरिया से इसराइल ने इसको सीज कर दिया था 6 डेज वॉर ऑफ 1967 में, लेकिन सीरिया ने फिर से कोशिश की 1973 में मिडल ईस्ट वॉर में इसको वापस लेने की इसराइल से, लेकिन वो इसमें हार गया। और 1974 से इस एरिया में यूएन ऑब्जर्वर फोर्सेस प्लेस की जा चुकी हैं और यहाँ पे एक आर्मिस्टिस लागू है, यानी कि एक सीज फायर लागू है। 1981 में इसराइल ने गोलन हाइट्स को यूनिलेटरली अनेक्स कर लिया था और इस मूव को कंडेम किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा और इंटरनेशनल लेवल पे। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस डिस एंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्सेस और यूनाइटेड नेशंस ट्रू सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन के कैंप्स और पोस्ट्स हैं। एक 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसे डीमिलिटराइज्ड जोन डिक्लेयर किया गया है, जिसमें ना ही इसराइल की फोर्सेस और ना ही सीरियन आर्मी फोर्सेस एंटर कर सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि 6 डेज वॉर कब हुआ था, 1967 में, और इस दिन की क्या इंपॉर्टेंस है, इस वॉर की क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें सीरिया से इसराइल ने गोलन हाइट्स को कैप्चर कर लिया था, सीज कर लिया था। अब ये लोकेशन देखिए आप गोलन हाइट्स की, चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। देर आर 4 कंट्रीज, इसराइल, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन। अब देखेंगे एक डॉटेड लाइन, और 1967 तक यहाँ पे सीज फायर लाइन थी। तो ये सीज फायर लाइन जो थी ये सी ऑफ गैलीली के बिल्कुल एडजेसेंट है, आप देख सकते हैं, और ये थी बिटवीन इसराइल एंड गोलन हाइट्स। लेकिन 1967 में वॉर ऑफ 6 डेज में इसराइल ने सीरिया से ये लाइन जो है क्रॉस करके गोलन हाइट्स को कैप्चर कर लिया था। और अगर आप डार्क ब्राउन एरिया देखें तो ये डार्क ब्राउन एरिया वो है जहाँ पे यूएन ने अपनी फोर्सेस डिप्लॉय की हुई हैं, और ये है एरिया ऑफ सेपरेशन। ये मैप याद रखिएगा, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी गोलन हाइट्स क्यों न्यूज़ में है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट यूनाइटेड स्टेट्स ने यूनिलेटरली अनाउंस किया है कि इट इज़ द टाइम फॉर द यूएस टू फुली रिकॉग्नाइज इसराइल्स सोवरेनिटी ओवर द गोलन हाइट्स। यानी कि यूएस बैक कर रहा है इसराइल के इस मूव को कि गोलन हाइट्स इसराइल की हैं। और इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जेरूसलम को ऑफिशियल कैपिटल मान लिया था इसराइल की, तो वहाँ से तेल अवीव से अमेरिकन एम्बेसी को मूव करके जेरूसलम में भेज दिया गया था। तो ये किया गया था ताकि ये जो डिस्प्यूट है ओवर जेरूसलम बिटवीन द इसराइलीज एंड पैलेस्टीनियंस, इसको इन फेवर ऑफ इसराइल करने के लिए ये किया गया था। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब एडवांटेजेस क्या हैं गोलन प्लेट्यू की, एक तो आप देखिए गोलन हाइट्स एक प्लेट्यू है, एक हायर लेवल पे है ये एरिया, इसके ऊपर आप अपने फोर्सेस को डिप्लॉय करके आप नज़र रख सकते हैं आसपास के एरिया में काफ़ी दूर तक। दूसरी बात यह है कि ये बहुत फर्टाइल है, वॉल्केनिक सॉइल है, यहाँ पे वाइनयार्ड्स और ऑर्चर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। इसराइल का ये ओनली स्की रिजॉर्ट है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इरिगेशन का साधन है ये बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हायर लेवल पे होने की वजह से यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है, और जॉर्डन रिवर में ये सारा ड्रेन होता है वाटर। मिलिट्री वेंटेज बहुत है, मिलिट्री के एडवांटेज, जैसे कि मैंने ये बताया कि ऊपर ऊंचाई होने की वजह से आसपास के एरियाज में नज़र रख सकते हैं। एक बफर लैंड की तरह ये एक्ट करता है बिटवीन दीज टू कंट्रीज, इसराइल एंड सीरिया। देन सदर्न सीरिया एंड द कैपिटल डेमेस्कस अबाउट 60 किलोमीटर्स नॉर्थ, दे आर क्लियरली विजिबल फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाइट्स। अब रहता कौन कौन है गोलन हाइट्स पे, देखिए दो तरीके के लोग रहते हैं, एक है इसराइल के लोग जो कि ज्यू हैं, 20,000 नंबर है उनका, और इतने ही नंबर 20,000 नंबर में ही अरब के लोग रहते हैं जो कि ड्रूज हैं, ये एक तरह की ट्राइब है ड्रूज पीपल। तो ये लोग जो हैं इसराइल की सिटीजनशिप नहीं चाहते हैं और ये सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असाद रिजीम में लॉयल हैं। तो द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज, डज द ट्रंप डिक्लेरेशन चेंज एनीथिंग, ट्रंप के इस डिक्लेरेशन से कुछ चेंज होता है आज की डेट में, द आंसर इज नो। तो फिर ट्रंप ने ये डिक्लेरेशन की ही क्यों, ये डिक्लेरेशन इसलिए की गई, पहली बात
इसराइल जो है वो यूएसए का फ्रेंड है, तो यूएसए डेफिनेटली उसको हेल्प करना चाहेगा, उसकी बैकिंग करना चाहेगा। तो जो इसराइल की पोजीशन है उसको ये वैधता देता है, लेजिटिमेसी देता है यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरी बात यह है कि 9 अप्रैल से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल की इलेक्शंस होने जा रही हैं, जिसमें कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, उनकी 5th टर्म के लिए वो लड़ेंगे। सो दिस स्टेप विल बूस्ट हिज इमेज इन हिज ओन कंट्री। सो वट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू मे बी पोस्ड इन योर एग्जामिनेशन इन सिविल सर्विसेज। पहला तो देखिए, प्रीलिम्स में ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैप्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंस होती है लोकेशंस की, कौन से कंट्री को कौन सा पर्टिकुलर फिजियोग्राफिक यूनिट टच करता है, और सी ऑफ गलीली जैसे कि कहाँ पे है, और आसपास के टाउन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर है, पेपर 2 में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोन ऑफ कंटेंशन गोलन हाइट्स किस किस कंट्री के बीच में है और क्यों है, और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है गोलन हाइट्स की। देन रिसेंट यूएस की डिक्लेरेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसके ऊपर आप कमेंट कीजिए कि यूएसए ने जो डिक्लेरेशन की है क्या वो सही है या गलत है, या उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आप देखिए, प्रैक्टिस एमसीक्यू, ये आपको खुद सॉल्व करना है। एक टाउन है कुनित्रा नाम का, आपको ये जवाब देना है कमेंट सेक्शन में कि ये कौन से कंट्री में है, लेबनान में है, इसराइल में है, जॉर्डन में है, या सीरिया में है। अगर आपने ध्यान से प्रेजेंटेशन देखी है, ये वाली ध्यान से वीडियो देखा है, और ध्यान से आपने मैप्स को देखा है, तो आप ये आंसर दे पाएंगे। अगर नहीं भी आंसर आता है तो यू कैन रीलुक एट द प्रेजेंटेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द क्लास। होप यू हैव गेन्ड सम नॉलेज आउट ऑफ दिस। Thank you very much. Goodbye.